क्या नाम भैया आपका, कहाँ से है? मुरलीधर नायक ककोरी पंचायत। जब विधानसभा चुनाव है प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिक्कत है? बीजेपी का। बीजेपी का, अच्छा ऐसे कौन कौन सा अच्छा काम किया है बीजेपी की सरकार बनने वाली है? इस 5 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ विकास नहीं किया, इसलिए बीजेपी को चाह रहे हैं पब्लिक। अच्छा, बसना विधानसभा चुनाव की क्या माहौल है, क्या चल रहा है? बसना विधानसभा में संपत अग्रवाल का चल रहा है, पब्लिसिटी है, जनसेवा कर रहे हैं वो, स्वास्थ्य सेवा हर क्षेत्र में वो सहयोग कर रहे हैं, इसलिए संपत को बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से और कौन जनसंपर्क में है? अभी तो और कोई नहीं है, संपत सबसे टॉप में है। अच्छा, और कांग्रेस से नेता लोग कौन कौन जनसंपर्क में है? कांग्रेस में तो कोई आते नहीं है, इसलिए तो बदलाव चाह रहे हैं पब्लिक। अच्छा, जैसे कि विधायक जी अभी देवेंद्र बहादुर सिंह वर्तमान कांग्रेस से, क्या वो नहीं आए आपके गाँव में? जीतने के बाद एक बार भी नहीं आया है। अच्छा, आपके गाँव में कितना विकास हुआ है? यहाँ विकास नहीं हुआ है। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं आपके गांव की, क्या समस्याएं हो रही है? हमारे गांव में तो गली कंक्रीटिंग चाहिए, तालाब गहरीकरण चाहिए, सीसी रोड चाहिए, और हमारे स्कूल में तो 5 साल में आहता भी नहीं हुआ है। अच्छा, शौचालय नहीं है, इसलिए बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, तो वर्तमान में जो है कांग्रेस को किसान हितैषी सरकार बताया जा रहा है, तो आपके गाँव के किसान कितने खुश है कांग्रेस की सरकार से? कोई खुश नहीं है, कोई विकास नहीं है। अच्छा, गांव के किसान भी कांग्रेस सरकार से कुछ नहीं आता आपका कहना है? जी। अच्छा, तो जैसे कि अभी समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रही है कांग्रेस सरकार, तो बावजूद इसके मतलब किसान की जो वर्ग है वो कांग्रेस सरकार से कुछ नहीं है? खुश नहीं है। कहा नाम बताओ जी? कष्टीलाल प्रधान। क्या करते थे? मैं खेती किसानी वाले आगा। क्या कर खेते पर? मोर दो ढाई एकड़ जमीन है। कतक में धान बेचते? धान तो 22 में दे रही है, 22 या 2000 ऐसे रेट में दे रही है। अभी क्या कहा थे कांग्रेस? कांग्रेस अभी बोला था कि मैंने 28 करबो कह के ऐसे सुना थे का। हाँ, भाजपा का कहा था? भाजपा के तो अभी कैसे कुछ हुए, 3000 बता दें भाजपा के लिए। अच्छा, तो भाजपा करी 3000 लगते? करना तो चाहिए क्या, बोनस वोनस देकर ठग रही है ऐसे गाँव के बदलते हैं किसान मन। हाँ, तो अभी मैं सुधर जाए तो अच्छा बात है ना। अच्छा, बसना विधानसभा चुनाव है। हाँ, क्या स्थिति रही, कौन कौन नेता मन जनसंपर्क में है? हमला देखो तो बसना में तो जब से विधायक बनते हैं। हाँ, हमारे स्थानीय विधायक कभी नहीं बनाते। अच्छा, हाँ, हैं हमारा स्थानीय विभाग विधायक चाहिए। हाँ, तो हमारे मन कथ की मांगे कि स्थानीय विधायक भी होना चाहिए हमारे। कौन है स्थानीय आदमी? स्थानीय आदमी देखो जनसंपर्क में हम हमारा अभी संपत अग्रवाल हैं। प्राय प्रत्येक जगह में ना आते हैं, कोई भी छोटे से पत्रिका दे दे वहाँ पहुँच आते हैं। अच्छा, हर आदमी के सुख दुख में आके खड़े होते हैं। बस अधिक मैंने बोला भी आते बोलूँगा। अच्छा, तो राजा साहब आते हैं तुम्हारे गाँव? हाँ, कभी कभार आते हैं अमन। वैसे देखिए, आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रदीप दर्शन है। अच्छा, आप किसान है? हाँ, किसान है और टेलर काम भी करते हैं। अच्छा, तो कैसे कांग्रेस का कार्यकाल था, कितना विकास हुआ गांव में? अब मैं उतना नेता होता चक्कर में नहीं पड़ता। नहीं, गांव में विकास काम कितना जो करेगा, कर्जा माफ, वो आदमी साफ। अच्छा, मतलब जो किसानों के काम करेगा वही जीत, जो करेगा कर्जा माफ, वो आदमी साफ। अच्छा, प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिक्कत है आपको फिर से? फिलहाल तो जो भैया बोले हमारे जो है, जो हमारे विधानसभा में ना, आज तक बसना विधानसभा में कोई विधायक बना नहीं है। जी जी। तो हमको बनाना जरूरी है, कोई बने विधानसभा में बसना ब्लॉक का प्रत्याशी होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी से हो या कांग्रेस से, कहीं से हो, अपना स्थानीय होना चाहिए। हमारे स्कूल में ना पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसे बोल रहे हो आप? हमारे स्कूल में ना पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर आकोरी का स्कूल है, हाई स्कूल भी है। अच्छा, हाई स्कूल है, हाई स्कूल भी है, प्राइमरी भी है, मिडिल भी है। हाँ, लेकिन वो पढ़ाई भी नहीं हो रहा है ठीक से। स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, मिडिल में नहीं हो रहा, प्राइमरी में मास्टर ही नहीं है, तो क्या कैसे पढ़ाई होगा यहाँ पे? अच्छा, कितना विद्यार्थी है, कितना शिक्षक आप जानते हैं? किस पता है? शिक्षक तो हेड मास्टर तो टाणा का है। और इसमें का ना है मंगन नायक। इसमें का कितने आपके गांव में, कहां कहां से आते हैं? हमारे गांव में? हाँ। अरे परगला आते हैं, बिरसिंह पाली आते हैं, ठाकुर पाली के भी आते हैं, बहुत जने आते हैं। हाँ। 2-3 गांव के आते हैं हमारे, काट पाली चिमेर के लोग, सब लोग आते हैं। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल सब है आपके गाँव में? हाँ। तो क्या लगता है कांग्रेस काल में शिक्षा को लेकर क्या अच्छा काम किए हैं? अभी तो क्या बताऊं यार, उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। अभी अभी तो पढ़ाई नहीं हो रहा ठीक से। हमारे गांव के 10वीं जो शिक्षा हैं, हाँ, वही लोग पढ़ाने जा रहे हैं। वो लोग क्या बोले, नहीं समझ पाया मैं। अभी हमारे गांव के जो 10वीं पास हैं, हाँ, वही लोग पढ़ाने जा रहे हैं हमारे गांव के। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ाए जाते हैं? वो मिडिल क्लास में।
अच्छा, तो मिडिल प्राइमरी से जाते हैं, गांव के लोग रखे हैं कि अपने स्वेच्छा से जाते हैं? वो शिक्षा दान कर रहे हैं। हाँ, और वहाँ शिक्षकों की कमी भी है। हाँ, क्या नाम बताया तुम? शुद्ध साहब। अच्छा, काश किसानस काश थे? किसान है? किसान हो? किसानस। हाँ, तो कांग्रेस कार्यकाल में कतक खुश है किसान मन? जैसे नेता मन बनाई देती से तो हो ही गया। नहीं ठीक है, लेकिन तो खुश है ना कांग्रेस के कार्यकाल में? हाँ खुश हो। मैं कब तक समर्थन मूल्य करे के वादा करे कांग्रेस जाना सर? जाना ज्यादा तो नहीं, 2000 ये से लगे। अच्छा, के कुंटल खरीदी करी कांग्रेस? कांग्रेस करे से करी 75 कतक करे है। अच्छा, जनसंपर्क में आते के नेता मने थे? जीते आते हैं जगह। कौन नेता थे? अभी अभी तो नहीं है नेता तो। हाँ, शंकर अभी आते हैं। कौन है? मैं नहीं रहेगा नेगा। अच्छा, कुछ नहीं है सच। अभी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई चल रहा था। अभी अभी आए हैं, अभी आए हैं। अभी मतदान कर रहे हैं? हाँ। मतदान कर रहे हैं? जो सरकार अच्छा चला ही ना ओला मतदान जैसे भी चलाते अच्छा चलाते मोदी सबके पूरा कल्याण होते। अच्छा, राज्य सरकार में कैसे थे? राज्य सरकार भी ठीक है कि हमारे भूपेश बघेल अभी गांव के किसान मन जो गरुआ बैला पोसे रहीन है वो मन के बार गौठान बनीस, गोबर ला खरीदीस 2 रुपया में। वो गोबर ला सरकार गैस बना के फिर हमें जनता मतलब बेचा थे, बहुत अच्छा काम करे। हाँ, अच्छा, बसना विधानसभा में कैसे थे? बसना विधानसभा अभी उसका वही नहीं चली से अभी। हाँ, चुनाव के बाद नेता मन जनसंपर्क में नहीं है? अभी फिलहाल बीच में 15 दिन पहले आ रही से संपत अग्रवाल माननीय महोदय और हमारे गाँव में जो कुछ अग्रवाल हाँ संपत अग्रवाल वो बताइएगा कि जो कुछ भी बनी से होकर से अच्छा सरकार लाना है। साहू कौन कांग्रेस? अंकोरी। कांग्रेस कार्यकाल में कतक विकास है? कांग्रेस कार्यकाल में विकास नहीं हुई भी। अच्छा, किसान तो काफी खुश है? किसान मन का खुश भी है, 4 किस्ती करके पैसा ले देते, 1 साथ देती तो कछु करते हैं और वो भाजी खेजा कर देते हो तो लेके आते हैं तो आधा सिरा जाते हो रास्ता में। फिर समर्थन मूल्य बढ़ा कहते कांग्रेस, फिर प्रति क्विंटल 20 क्विंटल खरीदी करी कहते प्रति एकड़? और सही है भैया, 20 क्विंटल खरीदी करी तो अभी तो किसान तो 35 क्विंटल 30 क्विंटल धान उपजाते तो कर तो आधा चले थे 20 क्विंटल तो मैं का हुई किसान के? बीजेपी तो लोग कम लेते रही तो बीजेपी कम लेती तो ओकर से ठीक है जो कुछ, लेकिन वो पेमेंट वेमेंट ला तो पूरा भाजी खेजा कस कर देते नहीं भैया, ओकर से तो कोई मतलब नहीं। किसान धान बेचा थे लेकिन 1 साल तक पूरा उधारी बेचे टाइप से वो करते हो गौरत होकर हर किस्ती बह। प्रधानमंत्री आवास की का स्थिति है तुम्हारे गाँव? हमारे गाँव में तो प्रधानमंत्री आवास के पहले आ रही अभी तो बीच में तो पूरा बंद है, नहीं के बराबर है हमारे यहाँ, मतलब 75% अभी तो नीचे आए हैं यहाँ, वो 20-25% बने हैं। जब पटना विधानसभा में कैसी स्थिति, कौन कौन नेता मन जनसंपर्क में रहा है? जनसंपर्क में संपत भी है के आ रही, बाकी कोई जनसंपर्क में नहीं आके। बीजेपी से कांग्रेस ले कौन कौन नेता मन आए? कोई नहीं आया है कांग्रेस से। क्या लगते बसना विधानसभा में क्या स्थिति को लगा था? बसना विधानसभा में अब तो सबके चाहत है कि स्थानीय प्रत्याशी चाहिए करके। क्या लगते संपत अगर वाला टिकट दी बीजेपी को? लगते देना चाहिए तो अब जैसे। हाँ नहीं देखो तो पिछले टाइम ना निर्दलीय लड़े रही भैया अपन, जब टिकट नहीं मिली तो इस साल भी मतलब लड़ना चाहिए। अच्छा, निर्दलीय मालूम नहीं मिली तो टिकट नहीं मिली, इसके लिए निर्दलीय लड़ना चाहिए। बीजेपी पर कतक यार वही लाभ होई कि घाटा साबित हो? बीजेपी पर पूरा 99% माइनस पॉइंट यही अगर संपत बिहारा टिकट नहीं मिली तो। कांग्रेस पर का भी? कांग्रेस पर 50-50। अच्छा, फायदा भी हो सकता है नुकसान भी? हाँ। अच्छा, तुम्हारे गांव में पानी के कुछ समस्या है? गर्मी में समस्या थे बहुत समस्या। हाँ, कटकट हो निस्तारी तालाब? निस्तारी तालाब तो एक ठो है अभी फिलहाल, बाकी मन तो सब सूख जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे जो स्कूल के सामने एक निस्तारी तालाब है मेन रोड में? हाँ, ओकर का स्थिति है? वो तो पूरा मुरुम है ना, वो तो रोड वाला मुरुम निकाले है, पूरा पत्थर वत्थर भी है,
सफाई भी नहीं करी वैसे छोड़ दी और पछरी भी मतलब नहा के लागे सही स्थिति जगह में पछरी भी नहीं है पहले के हिसाब से बना रहे ना अभी गड्ढा दूसरा हुई से नहा दूसरा है तो पंचायत में कुछ नहीं कही कर रही टैक्स वसूली नहीं करी नहीं कोई जाए तालाब अच्छा बना सकते या मरम्मत या पछड़ी वैसे देखो तो करे तो कुछ नहीं मतलब मेन हमार वही रही के गहरीकरण हो जाए अच्छा तो गहरीकरण हुई से देखो तो रोजगार गारंटी में गहरीकरण करत हैं गहरीकरण हुई से कि नहीं गहरीकरण है से लेकिन सही तरीका से गहरीकरण नहीं हो से उसमें तो जान मान के खतरा भी हाँ आपके स्कूल के सामने ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी वजह से क्या समस्या हो रही है और क्या दुर्घटना हो सकती है एक तो सबसे ट्रांसफार्मर जो इतना नीचे है बच्चे उसमें हाथ लगा के खेलते रहते हैं जो सबसे बड़ी दुर्घटना हो सकती है ट्रांसफार्मर कम से कम जो है ना 6 फीट 7 फीट ऊंचा होना चाहिए जब मैदान से भी उनके भी गुजरा है वो तो सबसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि बच्चे उधर ही खेलते रहते हैं यदि खुदा न खास्ता एक तार गिर गया तो जान भी जा सकती है जब ग्रामीणों ने बताया कि कलेक्टर जन दर्शन में शिविर में हटाने के लिए दिया था आवेदन वो जन दर्शन वगैरह सिर्फ दर्शन भर है और बाकी कुछ नहीं है उस समय उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी उसके बाद कौन पूछता है वो कलेक्टर साहब आएंगे उसके सामने में जो बोलेंगे बोलेंगे कलेक्टर भाग गया दर्शन भाग गया अच्छा क्या लगता है आपको ट्रांसफार्मर का हटना भी जरूरी है जरूर ट्रांसफार्मर हटना नहीं है वहाँ उसको बनवाना है अच्छी तरह से ऊँचा करके और वायर कोई ले उनके भी को उसको अलग से ले लेना हाँ थोड़ा सा हटा करके अच्छा हम आगामी छत्तीसगढ़ वर्तमान जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं हाँ उसकी बात करेंगे जी क्या लगता है आपको प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है आपको आने वाले समय में सरकार तो ऐसे ही भी आप किसी को बना दीजिए लेकिन हमारा बसना तो 0/0 चल रहा है उसका कारण ये है कि अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति था 5 साल अब्दुल हमीद दानी या क्या एक मुसलमान वो हमारे विधायक थे बाकी सब सरायपाली के विधायक हैं हमारा बसना का तो कोई मई बाप है कि नहीं कौन सा सत्र की बात कर रहे हैं जो विधायक की बात कर रहे हैं ये शुरू से आज 75 साल हो गया ना 5 साल सिर्फ जो है हमारा विधायक था बाकी 65 साल पूरा सरायपाली नाम बोलोगे तो मैं नाम गिनवा देता हूँ अच्छा आने वाले समय में आप कैसा प्रत्याशी देखना चाहते हैं बसना विधानसभा से हमारे यहाँ बसना का प्रॉपर आदमी होना चाहिए जैसे अभी संपत जी हैं संपत जी जितना काम किए हैं बसना की जितना छवि वो बढ़ाए हैं वो हमें लोग जानते हैं गिनीज बुक में जिसने 4-4 दफ़े नाम लिखवा दिया तो कोई नॉर्मल आदमी नहीं होगा हमारे ख्याल से तो क्या लगता है बीजेपी उनको टिकट देंगे जीत दिलाएंगे और बीजेपी से बीजेपी यदि टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस जीत जाएगी और इनको टिकट दे दिया बीजेपी तो कोई जीत ही नहीं सकता इनके भविष्य ये पक्की बात है जब राजा साहब आते हैं गांव तरफ क्या अरे राजा राजा ही है भाई उसको प्रजा से तो मतलब नहीं है वो राजा है बोलता है मैं राजा हूँ मैं मंत्री थोड़ी हूँ बोलता है भाई राजा है तो आकर के देखना चाहिए क्या है जब से जीता है आज तक ये ओकोरी में कदम नहीं रखा हुआ आदमी तो प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है बीजेपी की कांग्रेस की अभी तो नहीं बोल सकते जी उसको अभी भी किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया है बिहार सरकार ने पूरा किसान तो बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं बघेल तो किया है ऐसे बात नहीं है लेकिन इसके पहले भाजपा भी किया हुआ है ऐसी बात नहीं है तो कार्यकाल किनके कार्यकाल में अच्छा हुआ विकास बीजेपी की कांग्रेस के कांग्रेस तो जन्मदाय नहीं है जी इस भारत की जन्मदायिनी कांग्रेस है बाकी तो हम उसके बच्चे हैं कोई भी पार्टी हो लेकिन अभी जो हमारे संपत जी हमारे क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत ही अच्छी है और यदि ये जीत गए तो हमारा क्षेत्र का विकास पक्का है इसमें कोई दो नहीं